ये है कहानी वीरों की, वीरों की और शूरों की, ये है निशानी शूरों की, वीरों की और शूरों की। ये है गाथा महावीरों के शौर्य और बलिदान की, ये है गाथा महावीरों के शौर्य और बलिदान की। परमवीर चक्र विजेता योद्धाओं के मान की, परमवीर चक्र विजेता योद्धाओं के मान की। माटी पर मर मिटने वाले प्रहरियों के सम्मान की, माटी पर मर मिटने वाले प्रहरियों के सम्मान की। वीरों की गाथा, वीरों की गाथा, वीर गाथा। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम कारगिल की शौर्य गाथा। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां कितनी जीवंतता से उन पराक्रमी युद्ध सैन्य महानायकों के प्रति असीम श्रद्धा की भावनाओं को जगाती है। विजयश्री उन्हीं के लिए निर्धारित होती है जो कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अविचलित और अडिग खड़े रहते हैं। आज का कार्यक्रम हम श्रद्धा सहित समर्पित करते हैं उन पराक्रमी योद्धाओं को जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की, जो नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह ऐसी पहली लड़ाई थी जिसे संचार माध्यमों के द्वारा निरंतर प्रसारित किया गया और परिणाम स्वरूप इस युद्ध का आंखों देखा हाल भारत की जनता के घर घर तक पहुंचाया गया। What you heard right behind you was the sound of Bofors gun directly targeting the top of Tiger Hills, the prelude to the final assault. We just had a shell land very close to us. I doubt if you were able to see anything. देश के विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से पत्रकारों ने इस युद्ध का जीवंत रिपोर्टाज प्रस्तुत किया, जिसके कारण जनता द्वारा सेना को अपार समर्थन मिला और फलस्वरूप भारतीय सेना का मनोबल और अधिक बढ़ा, जिसने इतिहास रच दिया। एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ याद करेंगी। कारगिल का युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक लड़ा गया। इस युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से स्थल और वायु सेना द्वारा लड़ा गया। उल्लेखनीय है कि इस दौरान भारत की समुद्री सीमाओं पर भी भारतीय नौसेना ने शत्रुओं पर कड़ी निगरानी रखी। दिन था 6 मई 1999 का। समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम बर्फीले पर्वतों के बीच एक भारतीय चौकी पर सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे। वैसे भी ये एक ऐसी जगह है जहाँ लगता है कि हम दुनिया के किसी और ही कोने में हैं, है ना? ठीक कहते हो तुम। अभी मई महीने में इतनी ठंड है, तो पता नहीं सर्दियों में क्या हाल होता होगा। वैसे तुम्हारी पोस्टिंग तो अभी हाल ही में हुई है ना? अरे मैंने तो यहाँ की 2 सर्दियाँ देख ली हैं। जरा उधर देखो। अब किधर? वहाँ लगता है कोई इधर ही आ रहा है। हाँ? कोहरा काफी घना है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ। लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूँ मैं कि कोई सैनिक नहीं है। उसका पहनावा तो देखो।
हाँ पहनावे से तो कोई कबाइली लगता है। हाँ लेकिन इधर क्यों आ रहा है? हाँ कोई जासूस तो नहीं? वार्निंग दो इसे। हाँ आने दो ए कौन हो तुम? रुका रुका जाओ वहीं रुक जाओ रुका। कौन हो तुम? साहब मैं एक चरवाहा हूँ साहब, मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है, अपने बड़े साहब से मुझे मिलवाओ। क्या सूचना? साहब साहब दुश्मनों के बारे में। अच्छा यहीं रुको, चलो कमांडेंट साहब ने बुलाया तुम्हें। नमस्कार सर, मेरा नाम ताशी नामग्याल है। नमस्कार, कहो क्या कहना चाहते हो? सर हम एक चरवाया है। आगे बताओ। सर ये 3 मई की बात है, कुछ दिनों पहले मेरा याक खो गया था। उसे खोजते हुए मैं पहाड़ों पर काफी ऊंचाई में चला गया था। एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर मैंने दूरबीन से नीचे देखा तो एक बड़ा अजीब सा नजारा मुझे दिखाई पड़ा। क्या देखा तुमने? साहब मैंने देखा कि पठानी कपड़ों में बहुत से लोग एक जगह पर जमा हैं। क्या? उनमें बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक भी हैं। वे बंकर खोद रहे थे और उनके पास बहुत सारे हथियार भी थे। हाँ कितने लोग रहे होंगे? साहब पूरी गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना पक्का है कि वो बॉर्डर के उस पार से आए हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं। ये तो बड़ी जरूरी बात बताई तुमने। हो सकता है कि हमें तुम्हारी फिर से जरूरत पड़े। तुम्हारा घर कहाँ है? साहब मेरा गांव है घरकोन, ये कारगिल शहर से 60 किलोमीटर दूर बटालिक शहर के पास है। तो साथियों इस स्थानीय सजग चरवाहे की सूचना से सेना सतर्क हो गई। जब सेना ने इस बात की छानबीन की तो बात सच निकली। उन्हें पता चला कि सीमा पार से बहुत बड़ी घुसपैठ हुई है। सही स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए भारतीय सेना ने मेजर सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक गश्ती दल भेजा, लेकिन वो दल कभी वापस ही नहीं आया। 10 जून को पाकिस्तानी सेना ने उनके बुरी तरह से क्षत विक्षत शव वापस भेजे। अब इस बात में कोई संदेह नहीं था कि पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई थी। सेना द्वारा गहन जांच में पता चला कि मई 1999 की शुरुआत में ही पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पार करके मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों में लगभग 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी और पाकिस्तानी सेना के लगभग 2000 से अधिक पैदल सैनिकों और कमांडो ने यहां अपनी चौकियां बना ली थी। यद्यपि पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा कहा गया कि ये घुसपैठिए कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन छापेमारी में पकड़े गए लोगों और हल्की गोलाबारी में मारे गए सैनिकों के पास मिले सारे दस्तावेजों ने साबित कर दिया कि ये काम पाकिस्तान के अलावा किसी और का नहीं था। दरअसल पाकिस्तान का उद्देश्य था सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन क्षेत्रों में अपनी सेना भेजकर श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर कब्जा करके लद्दाख को कश्मीर से अलग करना और कारगिल व सियाचिन पर कब्जा करना। ये भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा प्रहार था और इसलिए भारत को बड़े पैमाने पर कारगिल में एक सैनिक अभियान प्रारंभ करना पड़ा जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस सैन्य अभियान का नाम था ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना समझ चुकी थी कि विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में शत्रुओं से युद्ध करना एक बेहद कठिन और दुष्कर कार्य होगा। भारत सरकार द्वारा नियंत्रण रेखा को पार न करने के निर्णय ने भारतीय सेना के कई सामरिक विकल्पों पर अंकुश लगा दिया। भारतीय सीमा में घुसे हुए पाकिस्तानी पूरी तरह से सुरक्षित और अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। उन्हें पहाड़ों की ऊंचाइयों पर होने का प्राकृतिक लाभ था, जबकि भारतीय सेना घाटी में खुले होने के कारण बेहद असुरक्षित थी। लेकिन युद्ध अवश्यम भावी था और भारतीय सेना ने युद्ध छेड़ दिया। दिन में किए गए हमले खतरनाक हो सकते थे,
आतंकियों की देख लिए जाने का जोखिम था, इसलिए भारतीय सेना द्वारा आक्रमण मुख्य रूप से रात को 0 डिग्री से भी कम तापमान में किए गए। सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र तल से 18,000 फीट की खड़ी चढ़ाई को चढ़ना। साथियों, हमारे सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो है इन पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना। लेकिन सर, एक और बहुत बड़ा खतरा है और वो है दुश्मनों द्वारा देख लिए जाने का। ठीक कहते हो, अगर हम चढ़ने की कोशिश भी करें तो वो बड़ी आसानी से हमें अपने निशाने पर ले सकते हैं। जी सर, इसलिए दिन की रोशनी में आक्रमण करना बिल्कुल संभव नहीं है। हमारे पास मात्र रात को ही आक्रमण करने का विकल्प बचता है। सही बात। सुनो, सब इधर आओ। जी, यस सर। ये मेज के चारों ओर। जी सर। उधर से। हाँ। जी, तुम्हें याद होगा कि अभी 3 दिन पहले हमारी वायुसेना के विमान इस क्षेत्र में आक्रमण करने आए थे। जी सर। वायुसेना ने हमले के दौरान इस क्षेत्र के चित्र भी खींचे हैं और उन्हें हमारे पास भेजा है। जी सर। इन चित्रों के आधार पर मैंने ये नक्शा बनाया है। जी सर। इस नक्शे के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मनों की चौकी जहां है उसकी विपरीत दिशा से हमें पर्वत पर चढ़ना होगा, यानी दाहिनी ओर से। जी सर, आप ठीक कहते हैं सर। इस तरफ से सर, यहां से पहाड़ की दाहिनी ढाल भी ज्यादा कठिन है सर। दुश्मन सोच भी नहीं सकता कि हम इस तरफ से चढ़ भी सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो साथियों, यस सर। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मेरा अंदाजा है कि इस चढ़ाई में हमें कम से कम 5 घंटे तो लगेंगे, तो क्यों ना रात 11 बजे से इस अभियान को शुरू किया जाए। जी जी सर। चढ़ाई करने वाली हल्की रस्सियां तैयार कर ली जाएं। हथियारों में राइफल्स, हल्की मशीन गन और हथगोले होंगे। सर, जी सर। कोई शक? नो सर। बी प्रिपेयर्ड फॉर द मिशन। यस सर। सर, अब हम चोटी के बिल्कुल पास आ गए। धीमे बोलो, धीमे। जी, उन्हें पता ना चल जाए। जी सर। चोटी पर पहुंचते ही हम सभी रेंगते हुए उनके तंबुओं की ओर बढ़ेंगे। जी। और हथियारों के साथ अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे। ठीक है सर। और फिर तुम विपरीत दिशा में एक हथगोला फेंकना। जी सर। जी सर। बम के फटने की आवाज सुनकर अपने तंबुओं से कुछ सैनिक बाहर जरूर निकलेंगे और तुम्हें उन पर फौरन फायरिंग करनी होगी। जी सर। ठीक है, आगे बढ़ो। बहुत धीरे, आवाज नहीं निकलनी। जैसे धीरे। ओके, धीरे धीरे। बस अब हम चोटी पर आ गए हैं तो अब रेंगना शुरू करो। रेंगेंगे। जी सर। कोई भी उठ कर नहीं जाएगा, सब रेंगेंगे। आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं। हर कोई अपने पोजीशन ले ले। हाँ सर। एवरीबॉडी रेडी? यस सर। यस सर। वो अपने बंकरों से बाहर आ रहे हैं। फायर! और इस मिशन में भारतीय सेना को भारी सफलता मिली। दुश्मन के अधिकांश लोग मारे गए और कारगिल की इस चोटी पर भारतीय सेना ने अपना परचम लहरा दिया। ऑपरेशन विजय में भारतीय वायुसेना की बहुत ही अहम भूमिका रही। इस युद्ध में सामरिक महत्व के मुख्य क्षेत्र थे मुश्को, द्रास, काकसर और बटालिक। भारतीय सेना ने एक अपूर्व गरिमामय इतिहास रच दिया था। 3 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच लड़ी गई इस लड़ाई में 25 सैनिक अधिकारियों और 436 जवानों की शहादत हुई। इसके अलावा 54 सैनिक अधिकारी और 629 जवान घायल हुए।
इस युद्ध में दो सैनिक अधिकारियों और दो जवानों को परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। ये पराक्रमी योद्धा हैं कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। देश इन रणवीरों को उनके असीम शौर्य हेतु श्रद्धा से नमन करता है। कारगिल युद्ध की गौरवशाली विजय की स्मृति में 26 जुलाई को अब देश भर में विजय दिवस मनाया जाता है। अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम कारगिल की शौर्य गाथा। कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर राजेश कुमार निमेश, कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शमा इला परवेज, परवेज गौहर, आर एस रघु और मयंक कुमार, आलेख अजीत होरो, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार और शानू मुक्सीम, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, परामर्श अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।